अपना गांव बताओ पहले, आप बोलो ना। गांव मटसेना। गांव मटसेना, ठीक है। जनपद फिरोजाबाद जी। ब्लॉक फिरोजाबाद, तहसील फिरोजाबाद। ब्लॉक फिरोजाबाद है। अच्छा, तो आपकी समस्या क्या है? ये गौशाला जो मटसेना गांव में सरकार द्वारा निर्मित हुई जी, इस पर मेरे विचार से लाखों रुपए खर्च हो चुका होगा। आज तक इसमें एक गाय को नहीं रखा गया। मेरे विचार से पैसा जो सरकार ने दिया वो उसका क्या हुआ? ये तो कितना समय हो गया इसको निर्माण करे हुए? दो साल हो गए। दो साल, इसमें कोई भी गोवंश नहीं आया? कोई गोवंश, कोई अधिकारी आए उद्घाटन करने? आए थे अधिकारी, आए थे। तो जब उद्घाटन हो, जब भी कोई गोवंश नहीं आया, तो आप लोग की क्या मांग कर रहे हो आप जिला अधिकारी महोदय से? हम ये मांग कर रहे हैं, यहाँ गौशाला ये सरकार द्वारा निर्मित हुई है, तो गौशाला या वो जो गोवंश है यहाँ पर रखा जाए, उनका भरण पोषण किया जाए। आवारा खेती पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ पर किसान पीड़ित है। ठंडा में सरकार पैसा खर्च कर रही है। और जिसका जिसके लिए अगर चलाई जाए तो उसके लिए किसान भी कुछ सहयोग करेंगे, जैसे चारा वारा है, वो है, तो सहयोग किया जाएगा पूरा। गौशाला को सुचारू करें, सुचारू रूप से चलाया, यही सरकार से निवेदन है। जय श्री राम, जय गो माता। आज मैं मक्खनपुर में मटसेना क्षेत्र में आ रखा हूँ मैं, और ग्रामीणों से मिला और गौशाला के अंदर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय इस पर ध्यान दें और मटसेना क्षेत्र में ये गौशाला तैयार है, इसमें असहाय गोवंशों को रखा जाए, और ताकि किसानों की फसल भी बचाई जा सके, और किसानों ने ये मांग करी है। जय श्री राम, जय गो माता।